योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, यही समभाव योग कहलाता है। समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांति पूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और यह इतना प्रशंसनीय है कि भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना बताया है। यह संबुद्धि पिछले श्लोक में वर्णित ज्ञान का अनुसरण करने से आती है। जब हम यह जान जाते हैं कि प्रयास करना हमारे हाथ में है और परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देते हैं। फलों की प्राप्ति भगवान के सुख के लिए है और हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यवहारिक समाधान है। यदि हम समुद्र में नौका चलाते हैं, तब यह आशा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौका को हिला सकती हैं। यदि हम हर समय यह सोचकर व्याकुल होते हैं कि लहरें नाव से टकराएंगी, तब हमारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। और यदि हम समुद्र में लहरें उठने की अपेक्षा नहीं करते, तब हम यही चाहेंगे कि समुद्र अपनी प्राकृतिक विशेषताओं और शक्तियों के विपरीत बहने लगे। लहरों की समुद्र से अविच्छिन्नता अद्भुत चमत्कार है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं, तब हमारे सम्मुख लहरों के समान अनेक बाधाएं आती हैं जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्मूलन करना चाहते हैं, तब भी हम कष्टों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा और इसे ही समभाव योग का नाम दिया गया है।